सह वीर कर्वा ते वह तेजस्वीनावधीतमस्तु मिषा वह ओम शांति 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 वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है संसार में हम इस जीवन को बहुत ही पुण्य कर्मों से पाए हैं और संसार की सेवा करना संसार में अपने सुसंस्कारों से सुव्यवस्थित होकर के जीवन जब हम जीते हैं तो निसंदेह हमारे लिए ये बहुत बड़ा दिव्यता का भव्यता का भाव जो विकसित होता है उससे आत्मकल्याण से विश्व कल्याण की भावना पुष्ट होती है और इसके लिए सबसे बड़ी जो बात है जो आवश्यक बिंदु है कि हम सुमति में रहें सुमति की प्राप्ति कैसे हो वह परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है ईश उपासना से प्राप्त होती है सुमति कुमति से हम बचें सुमति की ओर चलें सुमति से ही सब प्रकार के सामंजस्य पूर्ण समरसता पूर्ण सात्विकता से सेवा सत्कार सद्भाव सम्मान सुसंस्कार हमारे अंदर जागृत होते हैं ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और चतुर्थ मंडल के तेईसवें सूक्त का पहला मंत्र हमने पढ़ लिया था जो पवित्र अन्न और पवित्र धन का उपदेश देता है हमको कि हम बहुत ही पवित्र अन्न सात्विक अन्न का सेवन करें तथा धन भी धर्म पूर्वक कमाए धनार्जन भी हमारा धर्म पूर्वक होना चाहिए तो आइए दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करते हैं प्रथम मंत्र को मैं लिखता हूं फिर चर्चा करूंगा ओम को क्वस्थ वीरः सधमाद आपह सध मादमापह समानञ्च स्मृति कवस्थ को अस्त कदस्य चित्र चिकते कदूति कदस्य चित्रम चिकते कदूती वृद्धे भुवत्शमानस्ते यज्ञो समान से यज्ञ होग्वेद के चतुर्थ मंडल के तेईसवे सूक्त का यह दूसरा मंत्र है ओम कोवस्ते वीरा सदमादमापा समानंषा सुमति भी कोस्य कदस्य चित्रम चिकते कदूति वृधे भुवच्छस्मानस्य यज्ञो हो ओम कोवस्ते वीरा सदमादमापा समानंषा सुमति भी कोस्य कदसे चित्रम चिकते कदूती वृद्धे भुवान से सुमति की प्राप्ति के संदर्भ में बहुत सुंदर चर्चा की है कहा अर्थात कोई एक वीर काम क्रोध आदि शत्रुओं का जो विनाशक है जो धीर वीर गंभीर है जो अपने अंदर की न्यूनताओं को अपने अंदर के जो कलुषित भाव हैं, जो कुविचार हैं उनका जो विनाशक है जो वीर है इस प्रभु के सधमादम संपर्क के आनंद को आप अर्थात आप अर्थात प्राप्त होता है प्रभु प्राप्ति का आनंद वीर पुरुष ही प्राप्त करता है जो संयमित जीवन जीता है जिसका आहार भी संतुलित है विचार भी संतुलित है जो इंद्रियों के व्यवहार में भी पूर्ण सजग है इंद्रियों के व्यवहार में जो सावधान होकर के व्यवधान रहित होकर के कार्य को करता है इस कर्मों की जो कुशलता है उनमें जो महारत हासिल किए हुए हैं, जो हर प्रकार से अपने आप को वेद अनुकूल शास्त्र अनुकूल ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त जीवन के सांचे में ढाल करके रखा है जिसने तो ऐसा कोई बिरला व्यक्ति होता है ऐसा धीर वीर गंभीर कोई विशेष होता है और जो अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण प्राप्त करके अपना हित चाहता हुआ प्रभु को प्राप्त करता है सद्मादम संपर्क के आनंद को प्राप्त करता है अर्थात प्रभु की जो भक्ति है वही हमारे लिए आनंददायक वही हमारे लिए मोक्षदायक है बहुत सुंदर बात जो हम रोज प्रार्थना करते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में या आत्मदा बलदा यस् विश्व उपास प्रशिषम यस छाया मृतम यस्त मृत्यु हो अर्थात जिसकी जो छाया है उसका जो सानिध्य है उसकी जो शरणागति है वही हमारे लिए अमृत के समान है उसकी कृपा दृष्टि हमारे लिए क्या है अमृत के समान आनंद से युक्त करने वाली है। और उसकी आज्ञा का पालन न करना अर्थात वेदानुकूल आचरण न करना वेद के बताए हुए मार्ग का आलंबन न लेते हुए वेद विरुद्ध आचरण करना ही मृत्युवादी दुखों का कारण है मृत्यु तो आती सबको है लेकिन जो बार बार मरते हैं बार बार अपने अंतःकरण अपनी आत्मा की जो भावना है जो अंतःकरण की प्रेरणा है उसको जब हम भूल जाते हैं तो निस्संदेह हमारा जीवन अत्यंत कष्टकारी हो जाता है जो हमारे लिए जीवन को हम अच्छा जीना चाहते हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो रहा है उसके प्रति जब हम जागरूक नहीं होंगे जब तक हमको किसी भी कार्य की प्रतिपुष्टि हमको नहीं प्राप्त होगी तब तक कैसे कार्य होगा इसलिए यह बहुत सुंदर बात है कि जो व्यक्ति उस प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं उसकी दी हुई प्रेरणाओं का सम्मान करते हैं और वैसा जीवन जीते हैं वे वास्तव में सुमति से युक्त होते हैं इसलिए वहां कहा कि असुरिया नाम ते लोका अंधेन तम सवृता तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये आत्मनो जना वे लोग जो अपने आत्मनुकूल आचरण नहीं करते हैं वे जो अपने अंदर उस पर प्रभु उस परमात्मा के द्वारा दी गई प्रेरणाओं का सम्मान नहीं करते उसका तिरस्कार कर देते हैं उसका सत्कार नहीं करते वे जीते जी मर जाते हैं और मर करके कष्ट को भोगते हैं आसुरी लोग को प्राप्त करते हैं अंधकार से युक्त अज्ञान से युक्त अभाव से युक्त जहां पर सद्भाव नहीं है जहां पर अभाव है जहां पर हर प्रकार का अज्ञान है अविद्या है अंधकार है ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाते हैं लेकिन जो प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं उसकी जो धारणा है वो प्रभु के आज्ञा के अनुसार धारणा बना करके कर्मों का अनुष्ठान करता है तो अस्त्य वह कोई वीर अस्त्य इस प्रभु की सुमति भी कल्याणी जो वेदवाणी है कल्याणी मतियों से समानंश संगच्छते संगत होता है उस प्रभु की उपासना करता हुआ उस स्थित प्रभु प्रेरणा को सुनता है और प्रभु की प्रेरणा को सुनता हुआ कोई पुरुष ही सद्बुद्धि वाला बनता है नहीं तो लोग सुनते हैं और भूल जाते हैं प्रेरणाएं आती हैं और वह अपने स्वार्थ में लगा होता है अपने भोग भावनाओं में लगा होता है अपने ही कार्यों को जो भौतिक कार्य है भौतिक सुख के लिए क्षणिक सुख के लिए कार्य करता है और उस प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो वह कभी भी उसको जान नहीं पाता और उसका जो भाव है जो बुद्धि है उसकी वो भ्रष्ट हो जाती है वह सद्बुद्धि से युक्त नहीं होता दुर्बुद्धि हो जाता है वह सम्मति वाला नहीं होता वह संगति वाला नहीं होता वह कुमति हो जाता है इसलिए हजारों हजारों वेद मंत्रों का उपदेश देने के बाद परमात्मा का जो अंतिम उपदेश है ऋग्वेद में वो क्या है संगति का उपदेश है साथ-साथ चलने का साथ-साथ रहने का साथ-साथ खाने का साथ-साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान करने का और संघ को बना करके रखने का उपदेश है इसलिए संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसी जानताम देवभागम यथा पूर्वे संजाना उपासते प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो तो जब हम ऐसी धारणा से युक्त होंगे तो इन वेद मंत्रों का जो आशय है तब सार्थक होगा केवल स्वाध्याय करना केवल उपदेश करना सुनना ही पर्याप्त नहीं है उसको आचरण में लाना, हजारों वेद मंत्रों को सुना समझा जाना लेकिन यदि हम साथ साथ मिलकर के नहीं रहते प्रेम पूर्वक परस्पर व्यवहार नहीं करते हैं एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं एक दूसरे के प्रति हृदय में यदि ऐसी कोई कलुषित भावना है तो वो हमारे लिए उचित नहीं है इसलिए हम इससे बचें और अपने त्याग से अपने पुरुषार्थ से अपने दैवी स्वभाव से दैवी संपत्ति से युक्त होकर के जब हम देवत्व के गुणों से युक्त होकर के व्यवहार करते हैं तो हमारे जीवन और जगत के लिए अत्यंत कल्याणकारी कार्य होगा इसलिए कहा है कि कत कभी ही अससे इस प्रभु का चित्रम वह अद्भुत जान ऐश्वर्य जाना जाता है कद कभी भी ऊती वे प्रभु रक्षण द्वारा जो यहाँ तो स्तवन करने वाले यज्ञो हो यज्ञशील पुरुष को या पुरुष की वृद्धि भुवत वृद्धि के लिए होते हैं प्रभु जान देकर ही हमारा कल्याण करते हैं इसको प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान द्वारा प्रभु के संपर्क को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए ध्यान जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जब ध्यान पूर्वक जीवन को जिएंगे सावधान होकर के जीवन को जिएंगे, तो ध्यान ही सभी समस्याओं का समाधान निकल जाता है उससे और जब ध्यान नहीं करेंगे ध्यान नहीं देंगे ध्यान का तात्पर्य केवल ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके बैठ गए और ध्यान हो गया ना ध्यान का तात्पर्य यह है कि जो कुछ हम ध्यान कर रहे हैं और उस समय जब हमारी सात्विक और पूर्ण पवित्र स्थिति हो और उस समय हमारे अंदर जो भाव दिव्यता के प्रकट हो उनको हम अपने आचरण में उतारें जो भी समस्याएं हैं जो भी उस समय समाधान हमको मिले संसार में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है परमात्मा ने स्वयं अपना यंत्र यहाँ फिट कर रखा है हम बैठ कर के कोई भी संसार में किसी की भी विकट से विकट समस्या हो हर व्यक्ति के पास उसकी समस्या का समाधान होता है लेकिन वो ध्यान नहीं करता ध्यान नहीं देता इस पर और जब ध्यान नहीं देगा तो उलझनों में वो फंसा रहेगा ध्यान पूर्वक जब इसका समाधान चाहेगा तो अवश्य ही उसका समाधान उसको अपने अंदर ही मिलेगा कहीं बाहर के जो है लोगों के पास जाने की भटकने की आवश्यकता नहीं क्योंकि गुरुओं का भी गुरु परम पिता परमेश्वर है वो सबके अंदर बैठा है तो अपने विवेक से अपने ज्ञान से अपने संयम से हमको युक्त होकर के जब जब आप कभी भी इस बात की परीक्षण स्वयं करें कि कोई उलझन सामने है कोई विकट संकट है अब क्या करें क्या ना करें कुछ बुद्धि काम नहीं कर रही किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए चुपचाप बैठ जाएं, शांत हो जाएं, दो चार गहरे श्वास भरें और ध्यान लगाएं। उस समय जो भी आपको समाधान मिले जो भी आपको प्रेरणा मिले उसके अनुसार आप कार्य करेंगे आपको सदा सच्चाई की ओर ही जाएगा वह सदा आपको अंदर से वो प्रेरणा मिलती है लेकिन उसके लिए शुचिता, पवित्रता और अच्छा आहार विचार परम आवश्यक है इसलिए यहां कहा कि वह जो प्रभु की प्रेरणा को सुनता हुआ सदबुद्धि वाला बनता है और इस प्रकार से उसका जो स्तवन करता है यजशील पुरुष को वृद्धि भुवत वृद्धि के लिए होते हुए प्रभु जान देकर के जो है ही हमारा रक्षण करते हैं और प्रभु की प्राप्ति के लिए ध्यान की परम आवश्यकता है ध्यान से ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती क्योंकि जगत है जो इसमें कोई वस्तु हम प्राप्त कर लेते हैं कोई वस्तु नहीं है वो कि जिसको हम प्राप्त कर लें कोई वस्तु हमारे पास नहीं दूर से ला करके दे दिया प्रभु तो प्राप्त है उसको हम अनुभव करें और उसकी अनुभूति कब होगी जब अपने मन वाणी इंद्रियों पर हमारा पूरा नियंत्रण होगा हम अपने इंद्रियों के जब तक दास हैं जब तक हम उनके वश में हैं परतंत्र हैं तब तक हमको वो ऊपर उठने नहीं देती काम क्रोध लोभ और रूप रस, गंध, शब्द स्पर्श इस इसी में बार बार मन जाता रहता है और बार बार इसमें हम फंसते रहते हैं कई कई वर्ष कई कई महीने हमने तपस्या की और एक बार आया झोंका सारा धाराशाही हो गया सारी तपस्या मिट्टी में मिल गई तो हमको सावधान होकर के साधु सावधान सावधान होकर के इन व्यवधानों में आगे बढ़ना है तो हम वीर बने धीर गंभीर बने ध्यान के द्वारा प्रभु के संपर्क का आनंद अनुभव करें हमें प्रभु से कल्याणी मति व ज्ञान प्राप्त होगा यह ज्ञान हमारा रक्षक होगा क्योंकि इसके बिना हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है और इस प्रकार से जो प्रभु का स्तवन करते हुए सदा उसकी ही आज्ञा का पालन करेंगे वही प्रभु के अद्भुत दान व रक्षण का पान कर सकते हैं तो इसमें तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कथा हुए मानम कथा श्रीण मानव का अस्पीर उपमात कथे नीम जरित्रे कहा कि इंद्र जो परम ऐश्वर्यशाली प्रभु है वह मानम, प्रार्थना करते हुए को कथा किस अद्भुत प्रकार से श्रोती सुनता है उपासक की प्रार्थनाओं को पूर्ण करने का प्रभु हर प्रकार से उसका जो सामर्थ्य अद्भुत है किस प्रकार श्रीमन उसकी प्रार्थना को सुनता हुआ इस उपासक के अवसाम रक्षणों को जानता है वो जानता है कि हमारी रक्षा कहां से हो सकती कैसे हो सकती है और उसकी पूरी गारंटी वो देता है हम उसकी शरणागति तो प्राप्त करें उसके भाव से युक्त तो हो जाए उसका स्वभाव हमारे जीवन में उतर जाए जो वेद का आदेश है उपदेश है संकेत है उसको हम जानने समझने का प्रयास करें और पूर्वी कहा कि कहा क्या अद्भुत हाँ निश्चय से अस्थ इस परमात्मा के पूर्वी ही पालन व पूर्ण करने वाले उप मात दान है जो यहाँ पर जो है शब्द आया पूर्वी ही अर्थात पालन पूर्ण करने वाले एक हमारी बहन है उनका भी नाम पूर्वी है तो पूर्वी का मतलब जो भरण पोषण पूर्ण करने वाले हैं तो ऐसी जो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण करती सभी जीवों का भरण पोषण करती है वह परमात्मा की ही शक्ति है और कहने का आशा यह है कि उपमातया दान वे सब प्रकार से भरण पोषण पालन करने वाले हैं और किस प्रकार से इस परमात्मा की स्तोता के लिए पालन पूर्ण करने वाला है आहु कहते हैं प्रभु आराधक की प्रार्थना को सुनते हैं और उसका रक्षण करते हैं उस प्रभु के दान अद्भुत है स्तोता के प्रभु पालक होते हैं किसी भी प्रकार से हम जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए सदा जब अहरनिश लगे रहते हैं तो वह हमको अत्यंत सामर्थ्य देता है हम अपने आप को लें अपने आप को संभालना ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है हम अपने स्वभाव में परिवर्तन कर ले हम दूसरों को संभालना चाहते हैं, दूसरों को अरे अपने आप को संभाल लें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख लें, अपने आप को सेवा से युक्त कर लें दूसरों से हम सेवा कराना चाहते हैं हम स्वयं करते नहीं काम नहीं चलेगा हम दूसरों को नियंत्रण में रखना चाहते हैं स्वयं नियंत्रण में नहीं है तो हम कैसे कार्य करेंगे तो हम प्रभु की भक्ति करें और वो हमारी सब प्रकार से रक्षा करता है इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे शेष चर्चा अगले मंत्र में अगली कक्षा में करेंगे ओम शांति ही शांति ही शांति ही।